नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। चलती ट्रेन में बड़े ही आसानी से यात्रियों के मोबाइल चोर को पार करने वाले छात्र चोर को जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने पकड़ा है। खास बात यह है कि यह चोर सिर्फ महंगे मोबाइल को ही चुराया करता था। पुलिस ने चोर के पास से 37 महंगे मोबाइल बरामद किए हैं जिनकी कीमत 7 लाख रुपए से भी ज्यादा है। चोर का नाम नाथूराम है जो कि जबलपुर के शहपुरा के रहने वाला है। पुलिस ने चोर को पकड़कर पूछताछ के लिए रिमांड में लिया है। पुलिस का मानना है कि संभवतः यह गिरोह में काम करता होगा जिसके और भी सदस्य हो सकते हैं। जीआरपी थाना प्रभारी बलराम यादव ने बताया कि यात्रियों के द्वारा लगातार शिकायतें आ रही थी कि चलती ट्रेन में पलक झपकती मोबाइल गुम हो रहे हैं। जीआरपी थाना प्रभारी ने बताया कि हाल ही में एक यात्री ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई कि जब वह भोपाल से जबलपुर आकर रेलवे स्टेशन से बाहर जा रहा था तभी उसका मोबाइल किसी ने चुरा लिया। सूचना पर जीआरपी और आरपीएफ ने स्टेशन पर लगे कैमरे खंगाले तो सभी प्लेटफॉर्म पर एक ही व्यक्ति संदिग्ध दिख रहा था। पुलिस ने युवक की तलाश कर उसे जब पकड़ा तो उसके पास से 37 मोबाइल मिले। सभी मोबाइल महंगे क्वालिटी के थे। पुलिस आरोपी नाथूराम को पकड़कर जीआरपी थाने लेकर आई जहां पूछताछ पर उसने बताया कि अलग अलग ट्रेन से मोबाइल चोरी करना कबूला। जीआरपी थाना प्रभारी बलराम यादव का कहना है कि नाथूराम बर्मन आदतन चोर है जिसके खिलाफ पहले भी चोरी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी नाथूराम को रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है कि चोरी के और भी कई खुलासे हो सकते हैं। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। दिनांक 30/1/24 को फरियादी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इनका मोबाइल प्लेटफॉर्म नंबर 6 से चोरी गया है। फरियादी की रिपोर्ट के बाद स्टेशन पर जाकर स्टाफ द्वारा पतासाजी किए जाने पर नथू बर्मन नाम का व्यक्ति मिला जिससे पूछताछ पर उस प्रकरण का मोबाइल मिला तथा उसके द्वारा और भी चोरी किए गए मोबाइल की जानकारी दी गई जिसकी जानकारी के आधार पर कुल 38 नग मोबाइल कीमती 7 लाख ये मोबाइल थाने में पंजीबद्ध 3-4 अपराधों में भी के मोबाइल हैं। कुछ मोबाइल हैं जो जिनकी पतासाजी अभी की जा रही है कि वो किस अपराध से संबंधित है। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाले? आरोपी नथुर्फ नाथूराम वर्मन है। ये ग्राम शीतलपुर शाहपुर जिला जबलपुर का रहने वाला है। किस प्रकार से चोरी करता था मोबाइल? ये रेलवे स्टेशन प्लेटफार्मों पे जो चार्ज में लगा के मोबाइल सो जाया करते हैं या लापरवाही पूर्वक कहीं मोबाइलों को रख देते हैं, इस टाइप के ये मोबाइल चोरी कर लिया करते थे। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।